नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीकेबी न्यूज द्वारा प्रस्तुत देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। और सबसे खास बात, हमारे इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि इस प्रोग्राम में हम आपको नागपुर के उन कलाकारों से मिलाते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में, यानी कि कला के इस क्षेत्र में, अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा मुकाम हासिल किया है और उन्हें ही आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे कंधों पर है। और आज मेरे साथ नागपुर का एक बहुत ही टैलेंटेड और यंग कोरियोग्राफर है जो पिछले कई दिनों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है और एक बहुत ही पॉपुलर मराठी चैनल के रियलिटी शो में भी उसने हिस्सा लिया है। और सबसे खास बात, अब तक तकरीबन एक दर्जन से अधिक मराठी गाने, हिंदी गाने जो है अक्षय कोरियोग्राफ कर चुका है। और सबसे खास बात, इसकी उम्र मात्र 22 साल है। तो देसी कलाकार इस प्रोग्राम में अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो अक्षय, पहला सवाल यही पूछूंगा कि शुरुआत कैसे हुई तुम्हारी कोरियोग्राफी की, डांस की? मैंने मतलब 5 साल पहले एक डांस क्लास ज्वाइन किया था, उनके साथ ग्रुप में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो ग्रुप टूट गया। फिर बाद में मेरे को उस फील्ड में मतलब इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर मैंने ट्रैवलिंग करना चालू किया, मुंबई, पुणे, दिल्ली, वहाँ पे जाके बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के वर्कशॉप चालू किया। फिर वहाँ से फिर वो चीज़ें सीखने को मिली, डांस क्या होता है, कोरियोग्राफी क्या होता है। फिर उसके बाद अभी 6 महीने मैंने मराठी इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर करके भी काम किया। ओके, तो तुम्हारे पहले वो कौन से गुरु थे जिनसे तुमने डांस सीखा और पहली बार तुमने किसको असिस्ट किया मराठी फिल्म इंडस्ट्री में? मैंने पहले जो मेरे डांस टीचर थे वो आकाश मिश्राम करके। ओके। और मैं फर्स्ट जो असिस्टेंट डायरेक्टर करके काम किया है वो शुभम गायकी। अच्छा, वैसे हमारे आकाश को देखकर किसी को लगेगा नहीं कि आकाश कितनी अच्छी कोरियोग्राफी करता है, लेकिन इट बिटवीन द शो जो है हम आकाश की सारे काम जो है वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो अक्षय, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताओ कि कौन से स्कूल में पढ़े तुम, डांस कहाँ से सीखा, और नागपुर के ही हो कि नागपुर के बाहर से हो? नहीं, मैं तो फिलहाल नागपुर का ही हूँ। अच्छा। बचपन पूरा नागपुर से गया। अच्छा। मैं अपना सिद्धेश्वर विद्यालय मानेवाड़ा में, अच्छा, वहाँ से मैंने स्टडी किया और कॉलेज कमला नेहरू से किया। अच्छा, घर में कौन कौन है तुम्हारे? मेरे घर में मैं और मेरा भाई है। ओके। और मेरे मॉम डैड की बचपन में ही डेथ हो गई है। ओके ओके, तो दोनों भाई हो? हाँ, दोनों भाई। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना स्ट्रगलिंग है हमारा अक्षय जो है वो। मैं ये पूछना चाहूँगा, मुंबई गए तुम पहली बार, तुमने जब असिस्टेंट डायरेक्शन में तुमने हाथ आजमाया तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या क्या सीखने मिला सबसे खास बात? वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सीखने मिला, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट जो के किया था काम, मतलब मेरा प्रोजेक्ट था, वो एक मूवी को मेरे को असिस्ट करना। कौन सी फिल्म थी वो? लोचक करके थी, अभी तक आई नहीं है। अच्छा, वो थोड़ा अभी लॉकडाउन के वजह से थिएटर बंद, इसलिए वो चल ही रहा उसका काम, पर जल्दी आपको देखने को मिलेगा। क्या बात है, तो कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस, क्या क्या सीखा उसमें? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ही था वहाँ पे। उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सब ये किए वहाँ पे, मेरे को अनिल लिंगे का करके वहाँ DOP है वहाँ पे। ओके। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब सिखाया है कि कैमरा एंगल कैसे लेते हैं, मतलब क्या लेते हैं। डायरेक्टर शुभम गाय की, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की, मतलब काम कैसे किया जाता है, क्योंकि अपना जो कोरियोग्राफी रहता है वो अलग रहता है। okay. जो क्लासेस में सिखाते हैं वो अलग रहता है। बराबर। वहाँ का कोरियोग्राफी बहुत अलग रहता है, क्योंकि उनको बहुत मैच्योरली सिखाना पड़ता है, उनको बहुत धीरे धीरे, और उनको सिखाने का तरीका ही अलग होता है। ये कोरियोग्राफी लेवल अलग है, क्लासेस वाला वो बहुत अलग है। कैसा लगता है, मैंने तुमको देखा है कि तुम इवेंट्स भी कोरियोग्राफ करते हो, वेडिंग्स भी कोरियोग्राफ करते हो, और उसके बाद तुम एल्बम भी कोरियोग्राफ करते हो, तो क्या डिफरेंस क्या रहता है? जैसे तुमने कहा कि बहुत अलग रहता है, तो डिफरेंस क्या रहता है? वेडिंग में बोले तो अपने को बहुत ईजी सिखाना पड़ता है, कि उनको जल्दी से मतलब बहुत जल्दी कैच कर लिया जाए। और अपना क्लासेस में अपन बहुत ज़्यादा यूनिक सिखा दे, कि अपन एक्सपेरिमेंट कर सकते क्लासेस में। राइट राइट। और एल्बम सॉन्ग में अपने को यूनिक बोलते एकदम नया, मतलब खुद का क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्रिएट भी करना चाहिए और वो आगे वाले को देखने में पसंद भी आना चाहिए। जैसे कोई भी स्टेप जल्दी कैच करना चाहिए, अगर किसी ने गाना सुना तो वो क्लिक होना चाहिए, नहीं ये स्टेप वो गाने का है, तो वो ऐसे वो बहुत ये रहता है। ये पूछना चाहूँगा कि मैं कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है लोगों को काम मिलना, और जैसे कि मैंने बताया कि 22 साल के उम्र में ही तुमने एक दर्जन से ज़्यादा गाने जो है वो कोरियोग्राफ कर दिए। पहले गाना, जो पहला गाना था, वो गाना तुम्हें आखिर कैसे मिला, किसके थ्रू मिला, क्या स्ट्रगल करना पड़ा, कितना मुश्किल हुआ वो गाना कोरियोग्राफ करना कि आसानी से हो गया? नहीं, वो बहुत मुश्किल था। मैंने 6 महीना असिस्टेंट डायरेक्टर रहने काम किया था, उसके बाद वो सर ने मेरे को एक ही काम दिया था, मतलब सबसे पहला गाना था। मैंने 3 साल का लड़की थी और 4 साल का लड़का था। अच्छा। वो टी सीरीज़ मराठी के लिए गाना कोरियोग्राफ किया था, उन्होंने मेरे को एक्सपेरिमेंट किए थे कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो उसके बाद वो गाना एकदम सक्सेस हुआ, मतलब उनको सिखाना यानी
बहुत डिफिकल्ट था। उनको मैंने ऐसे सिखाया था कि मैं ऐसे जेब में चॉकलेट का पैकेट ही लेके था जेब में। अच्छा। उन्होंने एक टेक अच्छा दिया कि लो चॉकलेट लो, मतलब वैसे करके वो गाना शूट पूरा कंप्लीट किया था मैंने। और उसके बाद जो मेरा सेकंड सॉन्ग था वो अभी सबने सुने और रील्स पे तो सबसे ज़्यादा ये है, ट्रेंडिंग में भी चला है, मनाचा सुटले तापा को करके। तो क्या बात है। तो जिन लोगों ने रील्स पे वो गाना सुना होगा, देखा होगा, तो अक्षय जो है वो कैमरे के पीछे थे जिन्होंने इस पूरे गाने को कोरियोग्राफ किया था। और जैसे कि मैं खुद अक्षय बता रहा है, मैंने भी वो गाना देखा है, इंस्टाग्राम रील्स पर बड़ा पॉपुलर हुआ था। अब ऐसा है कि तुम लगते ही छोटे हो और हो भी छोटे, तो जब किसी बड़े आर्टिस्ट को कोरियोग्राफ करते हो, किसी बड़े डायरेक्टर के लिए काम करते हो, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज उस दौरान तुमको आती है? मेरे को फर्स्ट टाइम जब मैं गया था कोरियोग्राफी, वो आर्टिस्ट ने देख के बोला था कि ये क्या करेगा। अच्छा अच्छा। तो फिर मेरे को वहाँ पे बोले इसको एक बार ट्राई करो, अगर पसंद आया तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अपन दूसरा कर चेंज कर देंगे। ओके ओके। पर उन्होंने जो मेरा काम देख के, उन्होंने फिर आगे चेंज ही नहीं किया, उनको बहुत पसंद आया। और अभी उनके जितने भी जो मेरे डायरेक्टर है उनके ए टू जेड सॉन्ग में ही कोरियोग्राफ करता हूँ। और मेरे वो OMS म्यूजिक आर्ट करके मराठी चैनल है, उनके YouTube पे सभी गाने मैंने ही कोरियोग्राफ किए जब से ओपन हुआ है। क्या मतलब धीरे धीरे तुमने काम शुरू किया, धीरे धीरे जो है वो काम बढ़ता गया। कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट से काम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी इतने सारे कलाकारों के साथ तुमने काम किया, तो कोई आर्टिस्ट बड़ा स्टिफ रहता है। हाँ। जब तो फिर उसको कैसे मैनेज करते हो? उनको अभी मैनेज करवाना पड़ता है। जैसे कोई कोई लेडी आर्टिस्ट बहुत ये होता है, नहीं मेरे को ये आया ही नहीं, मेरे को समझे नहीं, इसको चेंज करो, क्योंकि उनमें भी थोड़ा स्टिफनेस होता है। किसी को नहीं, मेरे को जमी नहीं रहा, आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर उनको उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है कभी कभी। ऐसा कोई गाना है कि तुम्हें लास्ट मोमेंट पे चेंज करनी पड़ी कोरियोग्राफी पूरी, और तुम बोले अरे यार मैंने तो पूरा रात भर प्रिपेयर किया और अब सुबह ये करना पड़ा? हाँ ऐसा हुआ है। एक मैंने मतलब वो सॉन्ग आने का कोड़ी सॉन्ग अभी मैंने रिसेंटली शूट किया है 2 महीने पहले, वहाँ पर हुआ था, मेल आर्टिस्ट आया नहीं था। अच्छा। फीमेल आर्टिस्ट आ गई थी, मैंने फीमेल आर्टिस्ट के हिसाब से पूरा गाना कोरियोग्राफ कर लिया था। ओके। फिर मेल आर्टिस्ट आया और मेल आर्टिस्ट को डांस का ये भी नहीं आता है। अरे बाप रे। तो फिर पूरा गाना मतलब थोड़ा बहुत तो 50% पूरा चेंज करना पड़ा था। कोई किस्सा बताओगे तुम हमको कि तुमको ऐसा रहता है कि काम हम बहुत सारा करते जाते लेकिन कुछ पल ना हमको हमेशा याद रहता है, तो याद करके ना हमको हंसी आती है, तो तुम्हारे पूरे इस जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट है कि तुमको हमेशा याद आता है यार ये हो गया था या ऐसा नहीं होना था, ऐसा होता तो और मज़ा आया था? नहीं ऐसा तो हुआ नहीं, पर मेरा मतलब एक इंसिडेंट ऐसे हुआ था, मैंने मेरा फर्स्ट सॉन्ग लाइफ में कोरियोग्राफ किया था। अच्छा। मतलब मेरे को कॉल आया था फर्स्ट सॉन्ग कोरियोग्राफ करने के लिए, और मैंने जो रियलिटी शो किया इंडिया टैलेंट बैट उसका स्टूडियो राउंड उसके 2 दिन बाद था। ओके। और वो स्टूडियो राउंड देहरादून में था। ओके। तो मैं बोला अभी इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, मैं बीच में अटक गया था। फिर मैं बोला क्योंकि देहरादून जाने के लिए पहले नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून जाना पड़ता है, वहाँ पे पूरा 1 दिन लगता है। राइट राइट। और मेरे को उसके 2 दिन पहले ही शूट था, मतलब 17 या 18 को शूट था और मेरे को 19 को निकलना था। राइट राइट। तो मैं 17-18 को शूट करके फिर वहाँ से मतलब इतना स्ट्रगल हो गया था वो टाइम, मतलब मेरे को लग रहा था कि नहीं ये है लाइफ कि अपने को ऐसे ही करना है और ऐसे ही भागना है। यहाँ से हिंगोली में से शूट करके 18 को निकला रात को, और निकलते ही सुबह जैसे आया वैसे ही दिल्ली के ट्रेन पकड़ के देहरादून है। पर जो वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस हुआ था मेरे को बहुत अलग था, मतलब लाइफ चेंजिंग, मतलब चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि मेरा फर्स्ट रियलिटी शो भी वही था और उसके बाद मेरा फर्स्ट सॉन्ग भी वही था, मेरे को दोनों नहीं छोड़ना था, मेरे को दोनों कवर करना था। तो अच्छा हुआ तुमने वो दोनों करा और तुम आज तक जो है यहाँ तक पहुँच गए, ज़िंदगी बड़ी बदल गई होगी। ऐसे में ना कुछ लोगों का सपोर्ट हम लोगों को इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन से ऐसे लोग थे जिनका सपोर्ट तुम्हें बहुत रहा यहाँ तक पहुँचने? मेरे को सबसे ज़्यादा तो मेरा, मैं एक जगह क्लास लेता हूँ नरेंद्र नगर में, मेरा पूरा मतलब 3 साल पुराना स्टूडियो, वहाँ के जो ये है पेरेंट्स बोलो, मैं उनको पेरेंट्स तो नहीं बोलता, वो मेरी पूरी फैमिली है। अच्छा अच्छा। वो लोग मेरे को सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट डांस में आने के बाद किया है तो सबसे ज़्यादा उन्हें, अगर मैं कभी प्रॉब्लम भी हूँ फाइनेंशियल वगैरह भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम दो भाई है राइट, और राइट। हम मामा मतलब मेरे मामा के साथ रहते हैं हम लोग। अच्छा। पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्हीं का रहा है मेरे को। क्या बात है। उसके बाद मेरे मामा और मेरी बहन, बड़ी बहन, वो मतलब मेरे बड़े मामा की लड़की है, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अक्षय कोरोना के बाद लोगों की लाइफ बड़ी चेंज हो गई है, कलाकारों की बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है, काम नहीं है, क्लासेस बंद है, शूटिंग नहीं हो रही, तुमने कैसे एडजस्ट किया खुद को इस कोरोना में और तुमने क्या नया सीखा इस कोरोना में? मैंने तो एक कोरोना में बहुत डिफ़िकल्टी फेस किया, क्योंकि सभी बंद हो गए थे, क्लासेस बंद हो गए थे, शूटिंग बंद हो गए थे,
फिर बाद में लगा थोड़ा शूटिंग भी चालू हुआ तो भी फिर वहाँ से पेमेंट निकालना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि शूटिंग बंद हो गई तो वो बोले हम लोग उतना नहीं दे सके, क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट को ही ये था प्रॉब्लम थी क्योंकि अभी पेमेंट के लिए भी वही लोग ये प्रॉब्लम देते थे, क्योंकि वेडिंग्स बंद थे पूरे, मतलब इवेंट्स वगैरह बंद थे, राइट तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुई, मतलब इतने प्रॉब्लम हुए थे कि अब सोचना पड़ता था कि अगर कुछ कहीं जाना हो तो पेट्रोल का खर्चा कहाँ से आए, वो तक कि मतलब सोचना पड़ता था। मुझे एक बात बताओ, खुद को अपडेट किया फिर कोरोना में, क्योंकि कई सारे लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस लेना लोगों ने शुरू कर दिया था, ऑनलाइन टीचिंग, तो फिर तुमने भी हाथ आजमाया कि नहीं आजमाया ऑनलाइन, तो रिस्पांस कैसा रहा फिर? ऑनलाइन क्लासेस तो मैंने लिया था, मतलब रिस्पांस तो उतना था नहीं, पर ज़्यादातर तो मैंने ऑनलाइन बहुत सीखा। ओके। मैंने एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह ये चीज़ों में मतलब ट्राई किया, मैं बोला अभी घर में ही है तो कुछ नया सीखा जाए, और ऑनलाइन क्लासेस भी के नए नए टीचर से ऑनलाइन उनसे भी सीखा डांस के बारे में, कोरियोग्राफी के बारे में और जाना। नागपुर में मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोगों को पता है कि अक्षय चौधरी कौन है, लेकिन बाहर जो है लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है तुमको हमारी नागपुर की जो छोटी सी एक इंडस्ट्री और बाहर की इंडस्ट्री, तो क्या डिफरेंस लगता है दोनों में? नागपुर के इंडस्ट्री बोले तो नागपुर में बहुत, नागपुर के लोगों को भी उधर बहुत कम जानते। अच्छा। अगर मैं अभी पुणे मुंबई जाता हूँ तो नागपुर कहाँ है बोलते। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा होता है, मतलब उनको पता ही नहीं है नागपुर। मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि नागपुर में, मेरे को तो खुद मेरा ड्रीम है कि मैं नागपुर में इंडस्ट्री लूँ। ओके। अभी मेरा तो खुद का प्लानिंग चल रहा है, अभी उनका एक शूट है तो मैं बोल रहा हूँ कि आप, मैं आपको लोकेशन प्रोवाइड करता हूँ, आप नागपुर में आके शूट करो। क्या बात है। क्योंकि मैंने खुद अभी एक सॉन्ग करवाया हूँ नागपुर में शूट करवाया हूँ। अच्छा। आपने भी देखा होगा बॉब हनुलकर करके, राइट इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर है, मैंने उसको, उनको खुद बोला था कि आप आके यहाँ पे शूट। तो वो भी गाना तुमने ये कोरियोग्राफ नहीं, मैंने उनको हेल्प किया था, मैंने कोरियोग्राफ वगैरह नहीं किया, मतलब उनका पूरा उधर का ही टीम था शेगांव का और बाकी मुंबई के थे, उनको सिर्फ मैंने हेल्प किया था नागपुर के डांसर्स के लिए वगैरह, क्योंकि मुंबई पुणे उस साइड पूरे पब वगैरह सब बंद था, राइट उस टाइम, तो उनको शूट करना था, तो आप नागपुर में उस टाइम ओपन हो गया था, तो okay. उस टाइम उन्होंने यहाँ पे आके शूट कर रहे थे उनको। क्योंकि तुम एक कोरियोग्राफर हो तो तुमको एक टीम भी जो है वो अलग से मैनेज करनी पड़ती है, आर्टिस्ट के साथ साथ कुछ जूनियर आर्टिस्ट भी होते हैं जो बैकग्राउंड डांसर्स होते, तो वो सारे कहाँ से मैनेज होते हैं, या फिर तुम्हारी प्रोडक्शन वाली टीम ही तुमको प्रोवाइड करती है, हमारे नागपुर के भी लड़के रहते हैं उसमें? मैं तो अगर कभी ये पड़ा रिक्वायरमेंट रहा तो मैं नागपुर से लेके जाता हूँ, नहीं तो 80% तो वही लोग प्रोवाइड करते हैं पूरा। ओके। पर मैंने अभी तक, मतलब जितना भी सॉन्ग कोरियोग्राफ किया, मैंने ज़्यादातर जो 50% डांसर है उन्हीं से कोरियोग्राफ किया है। अच्छा। क्योंकि मराठी इंडस्ट्री में क्या होता है, बजट लो बजट काम होता है सबसे, राइट वो लोग जितना हो सके उतना करवा लेते हैं वो। ओके। मैं कहूँगा कि एक बहुत खूबसूरत सी जर्नी रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, पैसे होते हैं, सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक शायद आज अक्षय पहुँचा है। बहुत कुछ मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें समय ने सिखा दिया। तुम जब क्लासेस लेते हो तो बच्चों को क्या सिखाते हो, क्या ध्यान में रखते हो? अभी तो मेरा एक ही मोटिव है, मेरे जो बच्चे हैं एक रियलिटी शो करे। ओके ओके। तो कोशिश जारी है कि नहीं फिर? जारी है। हाँ, अभी तो एक बन गई है पूरी। ओके। अभी नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँगा कि वो सुपर डांसर में जरूर आएगी। क्या बात है। तो हम भी ये दुआ करते हैं कि वो जो है वो जरूर सुपर डांसर में जो है वो जाए। कई बार हम लोगों ना कई सारे लोगों को देखते हैं और उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, तो तुम किसको फॉलो करते हो जब कोरियोग्राफी करते हो, कौन है तुम्हारा आइडल जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो? मैं तो बहुत सारे जन को फॉलो करके करता हूँ। मेरा आइडल तो बोले तो मुदस्सर खान है। अच्छा। और मेरे को साउथ के कोरियोग्राफर बहुत पसंद है। क्या वजह क्या है कि मुदस्सर बहुत अच्छे लगते हैं और साउथ के कोरियोग्राफर, क्या खास वजह क्या है? उनका जो इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रियल सॉन्ग कोरियोग्राफ करने का जो तरीका है ना बहुत अलग है। ओके। उनका अगर स्टेप ऐसे क्लिक हो जाता है किसी को भी, अगर कोई भी गाना सुन ले नहीं उसका ढिंक चिका, हाँ ये वाला स्टेप। क्या बात है। जिससे भी बूटा बम्मा उधर जो अल्लू अर्जुन का पर्सनल कोरियोग्राफर है, वो उनका कोरियोग्राफ बहुत अलग रहता है, मतलब उनका क्लिक हो जाता कि नहीं ये स्टाइल इनका है और इन्होंने कोरियोग्राफ किया है। अगर मेरे को कुछ नया करना रहा तो मैं तो ज्यादातर साउथ के सॉन्ग बहुत देखता हूँ। ओके ओके। वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो, वहाँ से मोटिवेशन लेते हो, ताकि इधर गाना कोरियोग्राफ करना थोड़ा आसान हो जाए। ओके। मैं ये पूछना चाहता था अगला जो सवाल है वो हमारे नागपुर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। पांच सवाल पूछूंगा मैं और मैं चाहता हूँ तुम हॉनेस्टी से जवाब दो।
आने वाले भविष्य की चिंता ना करते। नागपुर में सबसे अच्छा डांसर या कोरियोग्राफर कौन लगता है तुमको? मेरे को डांसर तो पीयूष है। अच्छा, पीयूष गुरबले। हाँ, ओके। और कोरियोग्राफर धीरज मिश्रा। धीरज मिश्रा, ये दोनों तुम्हें बहुत। तुम्हें ऐसा कौन लगता है नागपुर में, यार इसको डांस नहीं आता पर ये डांस बहुत करना चाहता है, इसने छोड़ देना चाहिए डांस, कौन है ऐसा? ऐसे नाम ले लो, कुछ नहीं होता। नहीं ऐसा कौन सा है जिसने कभी कोई रियलिटी शो नहीं किया लेकिन बहुत डिंगे हाँकते रहता मार्केट में, अबे मैं तो वहां गया था, मैंने किया, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कौन है? अगर मैं नाम ले लूं, जान ले लेंगे बाहर जाके। तो चलो, तीन सवाल तो गए। चौथा सवाल, बहुत सारे लोग ना नागपुर में डांस क्लासेस लेते हैं लेकिन अगर कोरियोग्राफी देखे तो उनकी जीरो रहती, तो ऐसा कोई है नागपुर में? ऐसे तो बहुत है। अच्छा, क्योंकि वो मैंने बहुत बहुत सी जगह देखा है, उनका अगर थोड़ा सा सीख जाए तो बताओ थोड़ा सा नाम नाम नहीं लेना, अभी सभी को बता, अगर थोड़ा सा भी आ जाता है ना तो लोग क्लासेस ओपन करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो भी बड़े कोरियोग्राफर है, अच्छा, उनका मार्केट खाते हैं। ओके ओके। क्योंकि जिसे भी बड़े कोरियोग्राफर, फीस ज़्यादा रहता है क्योंकि उनका मतलब वो लोग फीस ज़्यादा लेने के पीछे का भी रीज़न होता है क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया होता है, वो मेहनत का पैसा लेते, वो ऐसे नहीं कि नहीं बा हम कुछ सीखा भी नहीं रहे उसी का पैसा नहीं लेते। तो जब क्या होता है, अगर जिसको डांस भी नहीं आता है ना उसको थोड़ा सा आ गया कि नहीं, वो बहुत कम इसमें सिखाता है। और जितने भी हमारे जिसे भी बड़े बड़े भी नाम लूँगा, जैसे धीरज सर है, अमोल सर है, इनके पास कैसे रहते कि स्टूडेंट आते हैं, पर अभी वहाँ पे मेरे साथ खुद हुआ है कि मेरे क्लास के बाजू में क्लास ओपन हुआ है, मतलब थोड़ा ही दूर, वहाँ पे तो 500 रुपये लेते हैं, आप इतना क्यों लेते? अच्छा, मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे सिखाने का तरीका बहुत अलग है, उसके सिखाने का तरीका बहुत अलग है। राइट राइट। क्योंकि हम लोग वो चीज़ हमको पता है क्योंकि हम लोग उस चीज से गए हैं। राइट राइट। उसको जिससे जाने में टाइम लगता है। अभी जैसे मैं भी स्टार्टिंग में आया था तो वही चीज़ किया था, क्योंकि अभी मैं अगर अभी मैंने एक लड़की को सुबह 3 साल की थी तब से मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ। राइट। तो तब मेरे को, मैंने खुद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। राइट। क्योंकि क्या करना चाहिए, उनको कैसे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, मतलब उसको क्या दूँ कि मतलब कैसे एक्सरसाइज दूँ कि उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके अगर मैं उसको वो लड़की को 3 साल लगे बनने के लिए, और अभी मैंने सेम ही एक लड़की को बनाया, वो 1 साल में बनाया क्योंकि मेरे को उसका टेक्निक पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी और टेक्निक में ये होता है कि जो नया आता है उसको टेक्निक समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। और जो सिर्फ और जो पुराने रहते हैं उनको जो टेक्निक का है वो उसी का भी चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि मैं यही कहूँगा कि बीइंग अ आर्टिस्ट मतलब ऐसा होता है कि जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं वो दो पैसे बचाने के लिए कई बार अच्छे आर्टिस्ट को छोड़ कम एक्सपीरियंस वाले आर्टिस्ट को प्रेफर करते हैं, एंकर्स के मामले में, सिंगर्स के मामले में और डांसर्स के मामले में ऐसा होता है क्योंकि एक का बजट बहुत ज़्यादा होता है, एक का बजट बहुत कम होता है, लोग बजट की चिंता करते हैं और फिर रिजल्ट पता है आपको कैसा आता होगा। आखिरी सवाल तुमसे पूछूंगा, नागपुर के कोरियोग्राफर से अगर कुछ कहना चाहोगे, कोई मैसेज देना चाहोगे तो क्या मैसेज दोगे? मैं तो नागपुर के कोरियोग्राफर को एक ही मैसेज दूंगा, सब जन नागपुर से ही है, नागपुर को ही बिलोंग करते, तो मैं यही चाहूँगा कि नागपुर को आगे बढ़ाए, नागपुर का कैसे नाम हो वो सोचे, या अगर अभी नागपुर में तो फिलहाल अभी बैटल्स वगैरह नहीं हो रहे थे। राइट राइट। तो बैटल्स का ट्रेंड ही नहीं है नागपुर, नागपुर में बैटल्स का ट्रेंड नहीं है, पर अभी धीरे धीरे वो बैटल्स का ट्रेंड भी बढ़ रहा है क्यों, अभी नागपुर में एक अनिकेत कार्यमोरे कर, वो बंदा नागपुर का होके मुंबई में जाके रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट। नागपुर को रिप्रेजेंट कर रहा पर मुंबई में जाके नाम कर रहा है। अभी उसका खुद मतलब मेरे ही स्टूडियो में वर्कशॉप हुआ था वो UIDC करके। जी हाँ जी। तो उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के डांसर्स आए थे, ऑल ओवर इंडिया के डांसर सिखाने के लिए आए थे और ऑल ओवर इंडिया के डांसर सीखने के लिए भी आए थे। तो उसमें भी क्या हुआ था कि नागपुर के ओनली 20% या 30% है। मैं ये बोलना चाहूँगा अगर कोई स्टूडियो हो या अगर मैं भी अगर वर्कशॉप ले रहा हूँ तो आपने भी स्टूडेंट को भेजिए क्योंकि हम लोग भी बाहर से आर्टिस्ट को बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए, अपने ही लोगों के लिए। अगर अपने ही नागपुर के बंदे नहीं हो तो वहाँ पे क्या करें। अगर अनिकेत की बात करूँ तो मेरे को मतलब नागपुर में वो बंदा अकेला ऐसे कि जो नागपुर का होके बाहर सिटी जाके वर्कशॉप ले रहा है और बड़े बड़े कैंप में उसका नाम आता है। अभी नेक्स्ट मंथ में उसका पुणे में वर्कशॉप है। मेहनत भी बहुत की है अनिकेत की बात करें तो, डिवाइन के लिए भी एक बहुत अच्छा गाना अभी उसने, हाँ, उसका कवर, हाँ, जो है वो किया था।
तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे नागपुर में, अक्षय के जैसे, जिन्होंने कम उम्र में बहुत अच्छा नाम किया। पीयूष है, प्राची है, पलक है, मानसी है, तो ऐसे बहुत लोगों की एक लंबी लिस्ट है। एक सपना होता है हर किसी का ज़िंदगी में कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो अक्षय को आने वाले दिनों में क्या करना है? मेरे को मेरा ड्रीम है कि मैं बॉलीवुड में कोरियोग्राफी करूँ। ओके, पर सबसे पहले तो मैं मराठी इंडस्ट्री में नाम करना चाहूँ, क्योंकि वन महाराष्ट्र से। ओके, मेरा सपना है पहले मराठी इंडस्ट्री में नाम कर ले, उसके बाद बॉलीवुड में धीरे 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 कदम रखे। अभी मेरे पास और एक सॉन्ग आया है, अपॉर्चुनिटी आई है, दिसंबर जनवरी में उसका शूट है, मेरे को भोजपुरी सॉन्ग मिला एक। ओके, तो मैं वो भी कोरियोग्राफ करने वाला हूँ, भोजपुरी सॉन्ग। क्या बात है, मतलब हमारे अक्षय ने शुरुआत की थी मराठी, और मराठी इंडस्ट्री में अक्षय फिलहाल दो ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं, मतलब दो प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करता है, अभी भोजपुरी में भी जो है वो पाव रख रहे हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट कौन सा होगा, बॉलीवुड ही होगा कि मराठी होगा? फिर ड्रीम प्रोजेक्ट बॉलीवुड होगा। बॉलीवुड होगा, हाँ। तो क्या बात है, तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं जो है वो अक्षय के साथ है। आप लोग भी अपने कमेंट्स के जरिए, अपने सुझाव के जरिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ढेर सारा प्यार जो है अक्षय को दीजिए, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो खुद खड़ा हुआ है और यहाँ तक पहुँचा है, इतना आसान नहीं होता, जहाँ तक वो पहुँचा है वहाँ तक पहुँचना। तो हमारे वीकेबी परिवार की तरफ से तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ जल्द ही आने वाले साल 2022 में तुम कोई अच्छी बड़ी बॉलीवुड की हिंदी फिल्म कोरियोग्राफ करो और फिर एक बार हमें मिलो, तब तक तुम्हें ढेर सारा प्यार। और आप लोग भी, अच्छा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चाहते हो अक्षय की स्टोरी और किसी तक पहुंचाना तो ज़रूर शेयर करिए। आपको लगता है आप भी एक कलाकार हैं, आपको हमने हमारे इस देसी कलाकार में फीचर करना चाहिए, तो DM करिए मैसेज बॉक्स में, अपना प्रोफाइल भेजिए, अपने वीडियोस भेजिए, ताकि हम आपकी कहानी अक्षय जैसी दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए।